I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ये दुकान खुली नहीं है सिंह साहब, कुछ और ही चक्कर है. नहीं नहीं, मतलब दुकान खुली हुई तो है लेकिन सामान नहीं बेच रहे. हाँ मैंने तो पहली बार देखी है सामान न बेचने वाली दुकान. अरे आप आओ तो सही, गायब हो कब से क्या? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना. अरे जुलाब का तो बहुत बढ़िया नुस्खा है मेरे पास. केले को दही में मिलाकर दिन में दो बार खाओ और फिर चाहे जितना जोर लगाओ फिर आओ. आपके आने पर ही गुत्थी सुलझेगी. हाँ हाँ जी, राम राम. हाँ जी, तू कहाँ से आ रही भाई? जी वो सविता के घर से. अच्छा हाँ, क्या चाहिए? चाय पत्ती का एक पैकेट देना. चाय की पत्ती का पैकेट देना भाई. देखो हमें क्या देख देख के छे करेगा इसमें? बहुत बढ़िया, पूरे 24 गुण मिल रहे हैं. लो देख लो बाबूजी, परसों में रिश्ता लेकर आया, आज कुंडली मिल गई और आप लोग भी मिल लिए. तो अब देर किस बात की है? लड़की पसंद हो तो फिर लेन देन की बातें. हाँ बोलो भाई. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सोच के बताते हैं आपको. नहीं, आपकी कोई डिमांड हो तो वो भी बता दीजिए. हाँ जी हाँ जी. देखिए A1 रिश्ता है जी, लड़का बहुत साल पड़ा है, घर की दुकान है, घर में कोई ननद भी नहीं है और सास की भी कोई कचकच नहीं है. ये लीजिए. अच्छा ये लिस्ट. हाँ लिस्ट. क्या है ये? एक सेकंड. ये कुछ गलत लिस्ट दे दी शायद आपने. नहीं नहीं, ये लिस्ट है. एक मिनट दिखाइए जरा. ये 500 लीटर पेट्रोल, 500 लीटर की सिंटेक्स की टंकी, ये देखिए आपकी लड़की पसंद है इसलिए 500 लीटर मांगा है, वरना एक रिश्ता 700 लीटर का भी आया था. हाँ आया था. अरे नहीं नहीं, हम तो सोच रहे थे कि दहेज में बाइक देंगे. नहीं नहीं, बाइक तो चाहिए ही नहीं, बाइक है घर में, पेट्रोल चाहिए. लेकिन ये बच्चों का सामान, ये 200 डाइपर, 40 जॉनसन पाउडर. अब देखिए कल शादी होगी तो परसों बच्चे भी होंगे, लेकिन ये सामान तब तक महंगा हो जाएगा. आप शादी में साथ ही भेज देना. पर एक डिमांड तो है मेरी, आपकी बेटी का शादी का मेकअप तो मैं ही करूंगी. भाई आप जो पैसे किसी और पार्लर को देंगे वो मुझे दे देना. भाई वाह, ऐसा समझदारी वाला दहेज मैंने पहली बार देखा है. ऐसा घर दोबारा नहीं मिलेगा आपको. हमें मंजूर है जी. मंजूर. तो बात पक्की? अबे तो अब सीमेंट लगा के पक्की करेगा. ये लगता है पुत्तन जी राजी नहीं है. अगर उनकी और कोई डिमांड है तो हाँ, बता दीजिए. बाकी बातें तो सब हो गई ना, एक दो दिन में मैं बात करके आपको बताता हूँ, खबर करूंगा. हाँ ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. अच्छा बाबूजी तो हम निकले फिर. हाँ जी. अच्छा ही, प्रणाम. अच्छा जी नमस्ते. प्रणाम. अरे आग लगा दो 500 लीटर पेट्रोल से मेरी जिंदगी में. मेरी शादी का फैसला ना डाइपर नहीं करेंगे. अरे बेटा डाइपर नहीं है वो रेलवे का ड्राइवर है. अरे तो मेरे ऊपर चढ़ाएगा इंजन, और कोई नहीं मिल रहा क्या उसे अपनी बेटी के लिए? भैया मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी. अरे मुझसे क्या बोल रहा है, जो करवा रहे उनसे पूछना. वो अभी आपने मुझसे बिना पूछे बुलाया क्यों उन्हें? अरे उसने ना बुलाया बेटा, मैंने बुलाया था उनको. क्यों? क्या सुन ले, फोटो तो देख ले. मिस इंडिया हो ना तो भी ना देखूं, शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा बस. कोई लड़की पसंद कर रखी तूने? पसंद में तो सिर्फ लड़की मिलेगी, सामान ना मिलेगा. जब दुकान बंद हो जाएगी तो क्या बोलोगी लड़की वालों से? हाँ अरे दुकान बंद करने की क्या जरूरत है भाई, शादी के बाद ये चलाएगा दुकान? मैं ना करने वाला जिंदगी भर ये बनियागिरी वाला काम, और दुकान के चक्कर में आ रहे ना रिश्ते, मैं नहीं बैठ रहा कल से दुकान पे. ये दुकान पे तो बैठना ही पड़ेगा जब तक इंस्पेक्टर ना आता. तब तक तो शादी करा देंगे मेरी, जिसे बैठना हो बैठे, मैं चला. अरे पगले सुन तो. अरे गोपाल, अरे सुन तो. क्या सुन तो, सुन तो, और करा लो शादी, अब तो दुकान पे भी ना बैठेगा वो. सब बावड़े हैं यहाँ तो. अरे अपने सामान की सोच रहे हैं, मेरे सामान की कोई सोच ही नहीं रहा. बैठ गया मैं, और नहीं तो क्या. अरे फोटो तक नहीं देखी मैंने,
अरे मेरी मिस वर्ल्ड तो तू ही है। हाँ पता है मुझे। अच्छा सुन, एक देना यार। प्लीज यार एक दे दे, देख नींद अच्छी आ जाएगी। एक 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 प्लीज। ओए होए, एक और दे दे बस। एक 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 प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक वन। अरे हाय हाय हाय, अरे जल्दी 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 दोबारा देखियो मत। रे 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 रे, संभल के भाई। अरे क्यों बद्दुआ ले रहे हो नए नए काम में, हैं? अरे वाह, खुल गई दुकान। गोपाल की दुख पूरा तो लिख लेते। कहाँ हैं गोपाल जी, कहाँ हैं? गए हैं, बाहर गए। और ये कहाँ लिखा हुआ है जिसने लोन लिया वो 24 घंटे दुकान पे ही बैठे? नहीं, मतलब हगने मूतने भी जा सकता है वो, बीमार भी पड़ सकता है वो। बीमार है वो? नहीं नहीं, बीमार तो हम सब हो गए, फिर भी छुट्टी लेकर के आपके लिए बैठे हैं दुकान पे। आइए देखिए, आप देख लीजिए अपने आंखों से देख लीजिए। आइए इधर से आइए। हाँ जी दिखाइए। इधर देखिए, ये नारियल तेल, टूथपेस्ट, मैगी, ये देखिए दाल, मिर्ची, वो छोड़िए सर, ये वनस्पति घी, सूंघिए ना। सूंघने के लिए रखा है या बेचोगे भी? भाई 7 दिन हो गए तुम्हारी दुकान खुले हुए, सामान एक भी नहीं बिका। अरे हो गया भाई, हो गया, अपना भी हो गया भाई, सस्ता आई। ले भाई पुत्तन, इसे बात पे मुंह मीठा कर। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या, मेरा भी लोन पास हो गया बावले। आपने भी लिया लोन? जी हाँ बिल्कुल, और भाई का ही आइडिया था इसमें के। लो अभी मुंह मीठा करो। करो। अच्छा भाई पुत्तन, हाँ जी सतपाल जी। पापा जी, वो ना कमीना इंस्पेक्टर आया हुआ है, कह रहा है कुछ बेच नहीं रहे हो। आप ना ग्राहक बन के जाना और 2 पैकेट चाय पत्ती ले आना। चाय पत्ती? हाँ। तो ये भाई साहब भी सूंघने वाली दुकान खोलेंगे या बेचने वाली? अरे पुतन आओ जाओ। पुतन एक पैकेट गुड़ दे दे। बेटे से कैसा हिसाब अंकल? हैं? राम राम अंकल, अच्छा हुआ आप आज मिल गए। अंकल जरा अपने बेटे से मेरी सिफारिश कर दीजिए ना। क्या? इन्हें कहिए ना मेरे सांड को उनके ऑफिस में लगवा दें नौकरी पर। सांड को? पापा जी आए क्या? पापा जी चलो खाना तैयार हो गया। खाना खाने के बाद अंकल जी को मीठा खाने की आदत है ना, वही ले रहे थे। आप ये कर रहे हैं, वो क्या है कि हमारे पापा जी अपने नियम के बड़े पक्के हैं। वो जो होता है ना कि जैसे लड़की के घर का कुछ नहीं खाते, वैसे ही हमारे यहाँ लड़के के घर का कुछ नहीं खाते, इसीलिए पापा जी हर चीज के पैसे देते हैं। भाई हम तो ये कहते हैं जमाना बदल गया, छोड़िए। अरे जमाने को मारो गोली, अपने अपने उसूल है जी बस। अंकल मेरी सिफारिश करो। और तेरी अंकल की, तू लड्डू ले ले। हा? जा कल तेरा काम हो जाएगा, जा निकल। थैंक यू, थैंक यू, निकल निकल। तो अंकल जी आपकी दुकान पे पहली बार आया हूँ। हाँ जी, कुछ खरीद लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी, भाई भाई लीजिए जो मर्जी ले भाई, ले ले दे दो दो दे आपको। आधा किलो चीनी देना। हाँ चीनी। क्या हुआ, तराजू नहीं है? बिना वजन के सामान बेचते हो? इतना बड़ा ड्रामा किया और इतनी सी बात भूल गए? पूरी फैमिली शामिल है, मतलब फैमिली बिजनेस है काला बाजारी का। सही सोचा भाई पुत्तन, बिना ब्याज का लोन लेके राशन भर लो, साल 2 साल में दाम बढ़ जाए तो फायदे में बेच दो। वाह भाई वाह, पैसा सरकारी और जेब अपनी भारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा तो मैं होने भी नहीं दूंगा। एक तो झूठा कारण बता के लोन लिया, ऊपर से काला बाजारी। बहुत लंबे जाओगे पुत्तन बाबू,
लोन के गारंटर तो तुम ही हो। कह रहा है कम से कम दो केस बनेंगे। ना भाई ना, तेल लेने गई सस्ता आई। मैं तो अब सचमुच दुकान खोल रहा हूँ, तू भी सोच ले अब क्या करना है। अरे दुकान खोलने के लिए थोड़े लिया था तूने लोन, ये तो महंगाई से लड़ने का हथियार है जो तूने हमें दिया है। पता नहीं वो 4 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर इस 1 लाख से कम 3 साल तो चैन से कटेंगे। और इसकी सजा भी ना कम से कम 3 साल है। अरे तू चिंता मत कर, लगता है ये हथियार अब सबके हाथ में थमाना ही पड़ेगा। ना तो हम जेल जाएंगे और ना महंगा खाएंगे। बात कर रहे थे पर यहां तो मेला लगा हुआ है सिंह साहब। भैया गुड़ दीजिए। अरे रुको तो, लाल मिर्च, काली मिर्च, कश्मीरी मिर्च, मुझे चाय पत्ती दे दो पहले, पानी चढ़ा के। हाँ अभी दे। अरे ये लो चाय पत्ती, आधा किलो गुड़ दे। अरे सब शुरू हो जाओ, साला दूरबीन से मैं देख रहा है। चले चल चल बताऊ सामने ड्रम में इसे भी यही जगह मिली थी। और सुन ढंग से भी थोड़ा इसे बस समझ लो जी, हो गया काम। अरे क्या हो गया सिंह साहब, दूसरी बोतल है ये, आंख में कुछ चला गया क्या? आंख में तो धूल झोंक रहे हैं साले। कुछ पता चला? सारे के सारे मिलके दुकान दुकान खेल रहे हैं। अच्छा, एक आदमी तो 3 दिन से टूथपेस्ट ही खरीद रहा साला। चक्कर समझ नहीं आया लाला, ये सारे लोग मिलके पुत्तन पाल का साथ क्यों दे रहे हैं? अरे सब एक ही मंडली के हैं सिंह साहब, वो वेदपाल है नवेदपाल, ये सब उसके साथ मिल करके काले धन के विरोध में धरना देते हैं। वेदपाल? हाँ, उसके लोन के तो लड्डू भी खाए थे। सही कह रहे हो लाला, एक ही मंडली है। कहाँ रहता, कहाँ है ये वेदपाल? ये आगे दाहिने हाथ को जो गली जा रही ना, बस बाएं साइड पे तीसरा मकान है। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.